Hey guys, welcome back to the channel guys। हमारे पास जो है ना आज जो है ना अनबॉक्स करने के लिए एक जूसर है, एक इलेक्ट्रिक जूसर है जो हमने ऑर्डर किया है। तो इस वीडियो में मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ गैस। अभी भी मैंने भी इसको नहीं ओपन किया, पूरा सील्ड पैक है गैस। तो इसको आपके सामने ओपन करते हैं और देखते हुए हमें कैसा मिलता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका क्या मिलता है और क्या यूज केसेस है, मैं वो भी आपको बताऊँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक जूसर को खोज रहे हैं। तो गैस पैकेजिंग जो है ना कुछ इस टाइप की आ रही है, आपको जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन हर प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। मुझे पड़ा करीबन 400 रुपये का इसका प्राइस और अलग अलग प्लेटफॉर्म में 400 से 600 700 रुपये फ्लक्चुएट होते रहता है। बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस तो भाई पैकेजिंग इन्होंने अच्छा किया है। ये वाला मैंने एक्चुअली मीशो से मंगवाया है। मीशो से बहुत रेयर ही प्रोडक्ट्स मैं मंगाता हूँ, तो बहुत टाइम के बाद मैं मीशो को यूज़ किया, देखते हैं भाई कैसा आता है। वैसे तो देखो प्रोडक्ट्स वगैरह हर जगह तो सेम ही रहता है, अलग अलग सेम वेंडर्स रहते हैं अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप सेल करते हैं। तो भाई इसको ना इस तरह से चीर हन करते हैं और मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा रहेगा। एंड गैस बॉक्स जैसे ओपन होता है गैस हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, देख सकते हो गैस कुछ इस तरह से प्रिंटिंग है यहाँ पे। और ब्रांडिंग की बात करें तो भाई जूसअप करके है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड वगैरह नहीं है ये। आपको अलग अलग अगर देखो 2-3 हज़ार के ऊपर जाते तो तब जाकर स्पेसिफिक ब्रांड्स मिलते हैं, बाकी ये नॉर्मल वाला है जो कि कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आ जाता है। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, सबसे बड़ी बात तो वही है प्रोडक्ट। तो एक्चुअली मेरे घर में जो है ना मेरी भांजी है, भांजी क्या बोलते हैं मेरी दीदी की छोटी सी 5 महीने की बेबी है, तो उसके लिए मंगाया है ताकि उसको फ्रूट्स वगैरह जूस वगैरह बना के दे सके। बाकी घर में कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे जैसे हम ओपन करते हैं बॉक्स में भाई कुछ इस तरह से हमें मिलता है। बाकी ये बॉक्स खाली है, इसको रख देते हैं हम यहाँ पर साइड पर। और गैस यहाँ पर बॉक्स के अंदर में हमें एक चार्जर टाइप ए टू टाइप जो पुराना माइक्रो यूएसबी मिलता है वो वाला हमें चार्जिंग के लिए मिल जाता है। और जैसे इसको ओपन करते हैं ये गैस ऊपर वाला कुछ इस तरह से ये मिल जाता है हमें। और अंदर की तरफ गैस इसमें ब्लेड वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो हम इसको सेट करते हैं, देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो यूजुअली आपको देखो यूज़ करने के लिए आपको अगर नॉर्मल साइज 1-2 ग्लास अगर जूस बनाना होता है, नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह देखो हार्ड जूस वगैरह नहीं बना सकते, उस सोचे हुए लीटर के लीटर नहीं, ये ऑन दी गो चार्जेबल है और रिचार्ज करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जो है ऐसे फिट हो जाएगा गैस, देखो कुछ इस तरह से ये लग जाएगा। तो आप हमारा देख सकते हो, ये अगर मैं हाथ के दिखाऊँ देखो मेरा हाथ ऐसा है कुछ इतना डिस्टेंस का। अगर मैं वाटर बॉटल के साथ में कंपेयर करूँ तो नॉर्मल 10 रुपये वाला वाटर बॉटल है, बस वैसी साइज़ का है, हल्का सा थोड़ा सा बड़ा है बस उतना ही। बाकी गैस देख सकते हो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे सामने देखा जाए तो गैस यहाँ पे हमें जो है ना एक पावर ऑन ऑफ का बटन है और बाकी एक चार्जिंग करने का टाइप माइक्रो यूएसबी वाला पोर्ट है। और यहाँ पे गैस एक यूएसबी पोर्ट दिया है ताकि इसको आप पावर बैंक की तरफ भी यूज़ कर सकते हो। मगर इसकी बैटरी स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, बट यहाँ पर दिया गया है बहुत सारे स्पेसिफिकेशन, जैसा कि भाई ये 10 to 12 times आप जो है जूस बना सकते हो इसमें। और चार्जिंग टाइम 3 घंटे का चार्जिंग टाइम लगता है। हाँ 2000 mAh का बैटरी है इसके अंदर में गैस और 3.7 volts का चार्जिंग लेता है। बाकी ये DC 3.60 से चार्ज हो सकता है, मामूली जैसे आप मोबाइल के जो भी नॉर्मल 5 watts या 10 watts के चार्जर रहते हैं राइट, उसमें आप इसको कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं, 3 घंटे का चार्जिंग टाइम रहेगा। बाकी गैस मेन परफॉर्मेंस पे आते हैं गैस, अगर इसको अंदर से हम ओपन करते हैं तो भाई ये कहाँ से ओपन होगा ये देख लेता हूँ मैं। बाकी गैस इसके ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स वगैरह मैं आपके लिए हमेशा ला के लेके आते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में बताना कि ऐसे न्यू चैनल है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये एक देखो कुछ छन्नी टाइप दे दी है, बेसिकली अगर जब जूस बनाते हो तब निकालोगे तो भाई ये अच्छा किया है, मतलब ये पूरा जूस बाहर आ जाएगा, बाकी जो भी उसके वेस्ट वगैरह रहते हैं वो अंदर ही अटक जाएगा, ठीक है कुछ इस तरह से। और अंदर में गैस हमें एक पेपर मैनुअल मिल जाता है, बस अगर वीडियो देखने हो गए तो भाई आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पे जो ना पूरा लिखा गया है कि भाई किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये देखो सिंपल सा ये ऊपर से लग जाएगा ऐसे, और ये ऊपर से इसका कैप लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बटन रहता है, तो बटन दबाते हैं तो भाई देखो ये वाला बटन तो ब्लू लाइट दिखा रहा है बट ये काम नहीं कर रहा है। हाँ अब देखो काम करने लगा, जैसे देखो इसको मैं दबाता हूँ अंदर वाला रोटेट करता है। इसको ना पहले रुको, ये लॉक नहीं हुआ है पूरी तरह से, इसको लॉक करते हैं क्योंकि भाई छोटा चीज़ है बट ख़तरनाक भी हो सकता है अगर सही से लॉक नहीं किया गया हो तो। बाकी इस वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। अब देखो कुछ ऐसा है, तो हम इसको
एक बार दबाते हैं तो एक ब्लू कलर का लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगा। गाइस देखो लिटरली मैं फिर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो अपना जो भी एक्सप्रेशन है ओरिजिनल सभी चीज़ मैं आपको ओरिजिनल दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर ऐसे करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो वैसे इसको जो है ना दो बार टैप करना, एक बार टैप करने से ऑन हो जाता है, उसके बाद दो बार टैप करने से जो है ना ये घूमना स्टार्ट हो जाता है, तो अंदर का जो ये मोटर घूमता है तो जा करके आपको ये जूस बनेगा यहाँ पे। तो इस तरह से बेसिकली आप जूस बना सकते हो। बाकी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल करके देखता हूँ कि किस तरह से काम करता है। सो ओके गाइस, अभी देखो मेरे पास फ्रूट्स तो नहीं है टेस्ट करने के लिए, बाकी जब घर में लेके जाएंगे बेबी के लिए कुछ बनाएंगे तो उसके वीडियोस मैं आपको चला दूंगा, दिखा दूंगा भाई, और या फिर आगे कुछ दिन के बाद में मैं इसकी परफॉर्मेंस वगैरह सही से बता सकता हूँ कि कुछ दिन यूज़ करने के बाद में। बाकी देखने में गाइस अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये अच्छा दिया है, ट्रांसपेरेंट दिया है, ये पकड़ने के लिए भी दिया है, मतलब कैरी भी करके कहीं भी आप लेके जा करके इसे जूस बना सकते हो। और जैसा ब्रांड वगैरह क्लेम कर रही है अगर इतना परफॉर्मेंस देता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। वैसे तो जल्दी से हम देखते हैं भाई इसका यूज़ केसेस। तो ये रहा वाटर, फिलहाल मैं सिर्फ पानी ही डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस जैसे इसमें पानी डालेंगे कुछ इस तरह से देख लो, जैसे जूस जब बाहर निकलेगा तो भाई ऐसे छन करके निकलेगा, ठीक है। तो अभी ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, ओके, पानी को भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोग कितना पानी वेस्ट करते हो बताना ज़रूर। और गाइस इसको जो है ना हम ऐसे डाल देंगे, ओके, डालने के सिंपली आपको क्या करना होगा, ये वाला बटन है बस, इसको होपफुली भाई गिरे नहीं, भाई अच्छे तरह से लॉक कर देता हूँ। और लॉक करने के बाद में एक बार दबाया फिर दो बार दबाया, तो गाइस इस तरह से कुछ घूमने लगता है, थोड़ा आवाज़ करता है बर्जर दे, जब फ्रूट्स वगैरह रहेगा तो भाई ये अच्छे से काम करेगा, भाई काम तो बहुत ही अच्छा करता है। बट जब भी आप यूज़ करोगे तो हल्का सा इसको हिला लेना, क्योंकि जो है ना जो फ्रूट्स वगैरह रहेगा सही से मिक्स, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस तो अच्छा देने वाला है। बाकी ये बेबी केस के लिए यूज़ होने वाले, बस रहते हैं आपके घर में अगर आप नॉर्मल इंसान हो, बूढ़े हो, या फिर कोई भी इंसान को मतलब एक ग्लास अगर जूस बनाना होता है, जैसे एप्पल का हो गया, नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह का हो गया, जो हार्ड फ्रूट्स नहीं नॉर्मल सॉफ्ट फ्रूट्स जो होता है, फ्रूट्स वगैरह होता है, उसकी आप जूस वगैरह बना सकते हो। और भाई अच्छा है भाई, कुछ भी लीकेज वगैरह तो बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ से जैसे देख रहे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आई एम श्योर कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपने यूज़ कभी किया है। हमें तो बस 400 के करीबन प्राइस मिला है, पर जो भी बेस्ट बाइंग लिंक रहेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे अपने फैमिली के लिए बाय आउट कर सकते हो। और गाइस कुछ दिन इसको यूज़ करके इसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करने वाला हूँ कि किस टाइप से आता है गाइस। और बाकी गाइस हमारे चैनल पे जो है ना बहुत सारे अदर वीडियोस है, और इस चैनल के चैनल सेक्शन में जाओगे तो हमारे 4 से 5 चैनल्स आपको मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स की, तो आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हो, क्रेजी सा वीडियोस आपको आ रहे हैं। गाइस भाई को सपोर्ट करो, और हम ताकि ऐसे ही क्रेजी वाले प्रोडक्ट्स आपको लिए हमेशा लेके आते रहे गाइस। और गाइस इस चैनल पे मैं जो है ना बहुत सारे माइक्स और सारी प्रोडक्ट्स वगैरह आने वाले हैं, उसके भी रिव्यूज़ वगैरह करेंगे, तो भाई चैनल के साथ में बने रहना। मैं भी तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।